साथियों नमस्कार, ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम टेक्नीशियन थर्ड जो जीडीसी के तहत होता है 25% में, इसमें कैंडिडेट को लिया जाता है और इसमें वैसे स्टूडेंट को लिया जाता है, वैसे कैंडिडेट को लिया जाता है जो ऑलरेडी ग्रुप डी में सिलेक्टेड है। तो उनके लिए यह बहुत सुनहरा मौका होता है कि जीडीसी 25% के तहत यानी डिपार्टमेंटल आपका एग्जाम आ जाता है और आप इसमें एग्जाम फाइट करके और डायरेक्ट टेक्नीशियन बन सकते हैं। तो इसका आज एग्जाम हुई है, जैसे देख लीजिए, ये मैं क्वेश्चन पेपर पे बात करूंगी आज। सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड ऑब्लिक CNW ऑब्लिक मैकेनिकल, डेट देख लीजिए, डेट आज का है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन 8/9/2021 और एग्जाम का जो ड्यूरेशन था 2 घंटा था यानी 120 मिनट था। टोटल 100 मार्क्स का था, वैसे क्वेश्चन तो 110 था लेकिन आपको 100 मार्क्स का ही आंसर करना था और टोटल का टोटल टेक्निकल ही क्वेश्चन था, इसमें कोई भी मैथ रीजनिंग का नहीं था। ये चेन्नई डिवीजन का क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्या क्या टर्म एंड कंडीशन होते हैं ये परीक्षा को देने में, इस परीक्षा में शामिल होने में। तो देखिए लिखा हुआ है, प्लीज रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर मेकिंग एनी एंट्री इन द आंसर शीट। आप इसको पहले भली भांति निर्देश को पढ़ना है, उसके बाद परीक्षा को देना है, OMR को भरना है। और बड़ी बात ये थी कि OMR पे ही ये परीक्षा हुई है, तो आपको कोई भी ऑनलाइन परीक्षा नहीं हुई है। तो देखिए ये इंस्ट्रक्शन है इसमें कि प्रश्न पत्र को जांच ले, 100 प्रश्न दिए गए हैं, यदि यह ठीक से प्रिंट ना हुआ हो, मोरा हुआ हो तो इसे बदल दिया जाएगा, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। सेकंड में इसमें 100 प्रश्नों के साथ वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न के समान अंक हैं। चलिए थर्ड में है, उम्मीदवार OMR उत्तर पुस्तिका में सिर्फ मद संख्या 1, 2, 3, 4 एवं 11 को ही भरे। और अगला है चार में, देखिएगा OMR पुस्तिका के साथ इसकी प्रतिलिपि भी होती है, उत्तर देते वक्त आप प्रतिलिपि को न अलग करें और न किसी को दिखाएं, मूल OMR उत्तर पुस्तिका में ही रंगे अवलिक काला करें, यह स्वतः ही कार्बन प्रतिलिपि में भी आ जाएगा, अतः कार्बन प्रतिलिपि को अलग से रंगने काला करने की आवश्यकता नहीं है। यानी आप OMR जो भरिएगा उसमें ही एक ऑलरेडी कॉपी लगा हुआ है और वो कॉपी ऑटोमेटिक कलर हो जाएगा जब आप उसको भरेंगे। तो आइए नेक्स्ट कॉलम को देखते हैं, इसमें है OMR पुस्तिका में लिखने या रंगने काला करने के लिए सिर्फ काले या नीले बॉल पेन का ही प्रयोग करें, जेल पेन पेंसिल का उपयोग ना करें, ये सब वर्जित है। नेक्स्ट है, उत्तर पुस्तिका में दिए गए बॉक्स में अपने 10 अंकों का क्रमांक संख्या लिखे एवं समवर्ती वृत्त को काला करें। अगला है, कैपिटल अक्षर में अपना नाम, परीक्षा की तारीख एवं परीक्षा केंद्र का नाम लिखे एवं उत्तर पुस्तिका के मध्य संख्या 11 के सामने उम्मीदवार अपना हस्ताक्षर करें, उम्मीदवार के हस्ताक्षर। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। देखिए आगे क्या है, ये क्वेश्चन का है मेरे हाथों में। तो आठ में है कि इसमें 1 से 100 प्रश्नों के लिए 4 वैकल्पिक दिए गए हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 और दिए गए वैकल्पिक उत्तरों 1, 2, 3, 4 से सिर्फ एक ही उत्तर को चुनना है और दिए गए उचित वृत्त को ही पूरी तरह से काला करें। यदि आपने एक बार उत्तर दे दिया है तो उसे बदलने की अनुमति नहीं है, मतलब ये गलत तरीका सही तरीका OMR भरने का जो तरीका है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि प्रश्न पत्र में निगेटिव मार्किंग है एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 यानी 1/3 अंक काटे जाएंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रेलवे का जो भी परीक्षा है, अगर आप इसमें 3 कंटिन्यू गलत हो जाता है, 1, 2, 3 3 गलत हो जाता है और आप अगर सही मार्किंग करते हैं 1, 4, 5, 6 यानी आपका 3 सही अंक है और 3 गलत है, तो ये सही में से जो 3 अंक आपको आता है ये 3 के बदले 1 मार्क्स इसमें से माइनस हो जाएगा, यानी आप मार्क्स ऑब्टेन कितना करेंगे, 2। तो 1/3 का मतलब यही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, OMR पुस्तिका में किसी प्रकार का संशोधन जैसे कि अधिलेखन, काटना, मिटाना, संशोधन 1 से अधिक काला करना स्वीकार नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, परीक्षा केंद्र कक्ष से निकलने से पहले उत्तर पुस्तिका को प्रतिलिपि के साथ निरीक्षक को सौंप दे, उम्मीदवार अपने साथ उत्तर पुस्तिका नहीं ले जाएगा। नेक्स्ट है, उम्मीदवार को परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र या किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट कागज ले जाने की अनुमति नहीं है। नेक्स्ट है, उम्मीदवार अपने साथ प्रश्न पत्र ले जाने की अनुमति है, जिसके तहत ये क्वेश्चन आप हमारे हाथों में देख रहे हैं। अब आइए क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्वेश्चन क्या है।
देखिए क्वेश्चन बहुत बेहतरीन आया है, अगर आप पढ़े होंगे तो जरूर इसका आंसर किए होंगे। क्वेश्चन नंबर एक है, एलएचबी का अर्थ क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म बोला था तो लिंक हॉफमैन बुश था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, डब्ल्यू आर आर एम का अर्थ क्या है, तो इसका आंसर गार्ड वैन होता है। ऐसे ऑप्शन था एसी टू टायर, एसी थ्री टायर, सामान्य कुछ, तो इसका आंसर गार्ड वैन था। क्या था? गार्ड वैन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीपीसी का अर्थ क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म था तो ब्रेक पावर सर्टिफिकेट, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट इसका होता है फुल फॉर्म, इसका मतलब यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बीएलसी सेट में कितने वैगन होते हैं, तो इसमें कुल मिला के 4 वैगन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीवी मैकेनिकल का अर्थ क्या होता है, तो इसका आंसर होता है डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व, डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व इसका आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फ्लैट टायर के प्रभाव क्या प्रभाव होते हैं, तो इसमें रेल फ्रैक्चर होते हैं। कई सारे स्टूडेंट ड्रिलमेंट दे दिए हैं लेकिन ये गलत आंसर है, रेल फ्रैक्चर इसका आंसर होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक बाइंडिंग के क्या प्रभाव होते हैं, तो ये फ्लैट टायर हो जाते हैं जिससे ब्रेक बाइंडिंग होती है और रेलवे परिचालन में असुविधा हो जाती है और ट्रेन काफी टाइम लेट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCA CBM किस प्रकार की मालगाड़ी है, तो यह कोयला लोड करने वाली मालगाड़ी है, यानी कोल होल्डिंग वैगन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BBJI किस प्रकार का वाहन है, तो यह 8 व्हीलर ब्रेक वाहन है। साथियों इसमें आपको बहुत ध्यान से आंसर करना होगा, देखिए ऑप्शन नंबर एक में भी व्हीलर ब्रेक वाहन है लेकिन यहाँ पे 2 व्हीलर ब्रेक वाहन है, लेकिन इसका आंसर होगा 8 व्हीलर ब्रेक वाहन। तो इस प्रकार आप इसका आंसर 3 लगाइएगा, सी लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BTPN के फॉर्मेशन में कितने वैगन होते हैं, तो प्लस 50 प्लस BB होते हैं, 50 प्लस BB होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक पाइप किस रंग का होता है, तो यह हरा कलर का होता है। CVC का अर्थ क्या होता है, तो सेंटर बफर कपलिंग होता है CVC का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीमियम BPC के लिए वैध है, तो यह 6000 किलोमीटर 30 दिन में या 7500 किलोमीटर प्रति 35 दिन में, तो आपका आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CC रैक BPC के लिए कितना वैध है, तो इसका है 6000 किलोमीटर प्रति 30 दिन में या 7500 किलोमीटर प्रति 35 दिन या 6000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन नेटवर्क किसके द्वारा बनाया गया था, तो यह ICF जो पेरम्बूर में है चेन्नई, इसके द्वारा बनाया गया था ICF, अभी इसका वंदे भारत के नाम से हम लोग जानते हैं इसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेल का IT अंग है, तो RDSO जो लखनऊ में है, RDSO उसका ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BTPN वैगन क्या है, तो टैंक वैगन है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रिलमेंट किस श्रेणी के एक्सीडेंट के अंतर्गत आती है, तो डी आती है, D1 D2 D3 D4 होती है, तो इस प्रकार इसका आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर ब्रेक में होने वाली माइनर लीकेज को किस प्रकार ठीक किया जाता है, तो टेफ्लॉन टेप के द्वारा, विथ टेफ्लॉन टेप, इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, यदि चलती मालगाड़ी का जोड़ टूट जाता है तो इसका परिणाम क्या होता है, तो ये ड्रिलमेंट हो जाती है और ट्रेन डिरेल हो जाती है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, डिरेलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालगाड़ी में प्रीमिसिबल फ्लैट व्हील क्या है, तो 60 mm है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ROH का पूर्ण रूप क्या होता है, तो रूटीन ROH का फुल फॉर्म होता है रूटीन ओवर हॉलिंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, IOH का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इंटरमीडिएट ओवर हॉलिंग, इंटरग्रेटेड ओवर हॉलिंग नहीं होगा बल्कि इंटरमीडिएट ओवर होलिंग होगा। तो इस तरह से आप छोटी छोटी त्रुटियों से बच सकते हैं बड़ी ध्यान से और केयरफुल होकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CR का पूर्ण रूप क्या होता है, तो कंट्रोल रिजर्वर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी कोड WGSCZ ऑब्लिक डी कोड इसका क्या होता है, तो इसका होता है वेजिटेबल सेल्फ जनरेशन सेकेंड क्लास टू टीयर चेयर कार, यानी वेजिटेबल सेल्फ जनरेशन सेकेंड क्लास चेयर कार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका सही, 25 का। तो इस प्रकार आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी कोड बॉक्सिन का क्या होता है, BOXNHS क्या होता है,
तो इसका होता है बोगी ओपन बैगन हाई साइड एयर ब्रेक हाई लोडिंग। इस तरह से इसका आंसर एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है PEASD का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका होता है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस। सिग्नलिंग डिवाइस नहीं होगा, सिग्नल डिवाइस होगा। इस प्रकार इसका आंसर एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए LHB कोच में SS को क्या कहा जाता है, तो सब शेड्यूल कहा जाता है, सब शेड्यूल 1, 2, 3 इस प्रकार सब शेड्यूल इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीमियम रैक BPC की वैधता क्या है, तो इसकी वैधता 12 दिन मल्टीपल लोडिंग प्लस 3 दिन रियायत अवधि लदी हुई स्थिति में, यानी 12 डेज मल्टीपल लोडिंग प्लस 3 डेज ग्रेस पीरियड इन लोडेड कंडीशन, यानी इसका 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी 60 बॉक्सन वैगन वाली ट्रेन से 3 वैगन DV को अलग कर दिया जाए तो उस रेलगाड़ी के ब्रेक पावर का प्रतिशत क्या होगा, तो 90% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश हो तो रैक BPC शुरू से अंत तक अमान्य माना जाएगा, तो देखिए जांच स्टेशन पर 24 घंटे से अधिक समय तक स्थिर, तो ये भी हो जाएगा। लोडेड BPC ट्रेन पर गंतव्य नहीं लिखा हो, यानी डेट या कहां जाना है ट्रेन को, उसका एंडिंग पॉइंट क्या है अगर नहीं लिखा हो, तो ये भी होगा। 4 वैगन से अधिक के बदलाव होने पर, यानी इसका आंसर आपको हो जाएगा B और C। तो देखिए B और C ये हो जाएगा, 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, इसमें B और C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए LHB कोच में कितने ब्रेक डिस्क होते हैं, तो कुल मिला के 2 ब्रेक डिस्क होते हैं LHB कोच में, जो जर्मनी की कंपनी है और हॉफमैन बुश के द्वारा उसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट देखिए हॉट एक्सल के क्या लक्षण है, तो गर्म एक्सल बॉक्स यानी वार्म एक्सल बॉक्स है इसका लक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए LHB कोच में ACP को कहां पर रिसेट किया जाता है, तो कोच के अंदर इनसाइड द कोच, यानी आप बैठे होंगे सीट के ऊपर एक रेड कलर का बटन ये होगा, जब आप चैन पुलिंग करते हैं तो उसके साइड में अभी जो LHB कोच है उसमें वो लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर LHB कोच में दिए गए H प्रकार टाइट लॉक CVC का खासियत क्या है, तो एंटी टेलीस्कोपिंग इसकी खासियत है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी व्हीकल में ब्रेक वाइंडिंग को कैसे पहचान सकते हैं, तो लोको में BP दाब 0 होने पर, यानी BP प्रेशर ड्रॉप टू 0 इन लोको, तो आप देख सकते हैं 36 का आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोको एवं कोच में फ्लैट टायर की अधिकतम सीमा क्या है, तो 50 mm है इसकी अधिकतम सीमा, यानी 3 इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ICF कोच में सवारी सूचकांक 3.5 होता है। साथियों जैसे कि आपको पता होगा कि जो LHB कोच है उसका 2.5 होता है, यानी जितना ज्यादा आपका राइडिंग इंडेक्स होगा तो उतना ही आपको सुविधा कम होगी, मतलब राइडिंग आपको सुविधा कम होगी, और जिसका राइडिंग इंडेक्स ज्यादा है तो वो सुविधा कम होगी, राइडिंग इंडेक्स कम रहेगा तो आप अच्छे से बैठ करके जाइएगा, इसमें सुविधा ज्यादा मिलेगी, तो इसका आंसर एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलास्टोमेरिक पैड का अन उपयोगी हाइट कितना mm है, तो 42 mm है। दो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैस्नो बोगी में डैश मिमी पैकिंग का उपयोग कर CBC के ऊंचाई को समायोजित किया जाता है, तो 37 इसका आंसर होगा, 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटर पोवोट कैस्नो बोगी डैश का बना होता है, तो कच्चा स्टील का यानी कास्ट स्टील का ये बना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश बियरिंग का उपयोग कैस्नो बोगी में किया जाता है, तो स्फेरिकल यानी गोलाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन BTPN यानी खाली स्थिति का पिस्टन स्ट्रोक कितना mm का होता है, तो 70 प्लस माइनस 10 mm का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक LHB कोच में कितना डंब बल्ब होते हैं, तो 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी फिएट बोगी में कुल कितने डंपर होते हैं, तो 8 होते हैं। एंटी रोटेशन लग का आकार कितना mm होता है, तो 220 × 16 × 16 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 47 को देखिएगा। एसी कोच में पेस्ट कंट्रोल की अवधि कितना होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 दिन, यानी 7 डेज होता है, 1 वीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 है। 48 क्वेश्चन को देखिए, किसी दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर आपका पहला कार्य क्या है? देखिए ऑप्शन पे विचार कीजिए। पहला है दुर्घटना का प्राथमिक कारण, यानी ये प्राथमिक कारण जानना। बी में है घायलों का प्राथमिक उपचार करना, यानी फर्स्ट एड ऑफ इंजर्ड। तीसरा है स्थल सुरक्षा करना। चौथा है खान पान की व्यवस्था करना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसको फर्स्ट एड की व्यवस्था करेंगे। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैसना बोगी में फिट बॉक्सन बैगन का रख रखाव मैनुअली क्या होता है? 49 नंबर का है तो G95 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, 50 नंबर है, बायो टॉयलेट में कीटाणुनाशक के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है क्लोरीन, क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन 51 है, ब्रेक डिस्क की मोटाई कितना होता है? तो देखिए इसमें नन ऑफ दीज होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर नहीं है, क्योंकि इसका आंसर है 45 mm, लेकिन यहाँ देखिए 100 mm है। ऑप्शन नंबर 1 बी में है 110 mm, 105 mm, 108 mm। तो इस क्वेश्चन इस का ऑप्शन में है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 52, LHB कोच के D3 के रख रखाव की सारणी कितने दिनों बाद है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 180 डेज प्लस माइनस 15 डेज होता है इसका, या फिर कहीं 6 महीना भी रहेगा, 6 महीना प्लस माइनस 15 डेज। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 53, याव डैम्पर डैश फिट की होती है? तो अंडर फ्रेम और बोगी फ्रेम के मध्य होती है, यानी बिटवीन अंडर फ्रेम एंड बोगी फ्रेम। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 में देखिए, निम्न में से किस पार्ट का उपयोग ICF ट्रॉली में नहीं होता है? तो ड्रैग लिंक का नहीं होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 है, USD जांच में किस खराबी की को जांचा जाता है? तो आंतरिक दरार यानी इंटरनल क्रैक को देखा जाता है USB जांच में, USD जांच में इंटरनल क्रैक को देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देख लीजिएगा 56, बीजी लाइन पर चार पहिए वाली ट्रॉली यानी IRS नंबर IRS में पहियों को उसी एक्सल पर ट्रेड डायमीटर की विविधताएं हैं। तो इसका ऑप्शन है 0.5 mm, 0.49 mm, 0.330 mm और 0.45 mm। तो इसका आंसर 0.5 mm होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल सर्विस एप्लीकेशन के दौरान ब्रेक पाइप का दबाव कितना गिर जाता है? तो 1 kg इसका गिर जाता है, 1 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी, 57 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 58 का देख लीजिएगा, असंवेदनशील जांच के दौरान डैश के अंदर ब्रेक नहीं लगानी चाहिए, यानी ब्रेक शुड नॉट अप्लाई ड्यूरिंग इंसेंसिटिविटी टेस्ट विद इन 60 सेकेंड, यानी 1 मिनट तक आपको ब्रेक नहीं लगाना है, यानी 60 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैशबोर्ड में तेल का स्तर कितना होता है? तो 40 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोच के भार को डैश के द्वारा स्थानांतरित किया जाता है? तो साइड बैरियर के द्वारा इसको स्थानांतरित किया जाता है। द वेट ऑफ द कोच इज ट्रांसफर्ड थ्रू साइड बैरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, ICF बोगियों की हेलिकल स्प्रिंग का कलर कोड क्या होता है? तो पीला, नीला और हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्राउन क्लियरेंस ए को किसके बीच मापा जाता है? तो बोल्स्टर एवं साइड फ्रेम के बीच, बिटवीन बोल्स्टर एंड साइड फ्रेम, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 63 का देख लीजिएगा, ये बहुत हिट क्वेश्चन है, माइक्रो कई बार जेई का भी एग्जाम में आ चुका है, इसी लिहाज से भी ये इसका बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है। माइक्रो प्रोसेसर पर 99 कोड का अर्थ क्या होता है? तो यह होता है होल सिस्टम वर्किंग परफेक्टली, यानी प्रणाली पूरी तरह से कार्य कर रही है, यानी कोई भी गड़बड़ी नहीं है। तो इस प्रकार आप 63 का आंसर देख सकते हैं। 64 का देखिए, ब्रेक डिस्क के बीच फिंज दिया जाता है क्यों? तो ब्रेकिंग के दौरान कूलिंग के प्रभाव को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोचों में CR का चार्जिंग का समय क्या है? तो 160 सेकंड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 66 को देखिए, डैस में तेल को उपयोग पूर्ण रूप से निषेध है, तो सीबीसी के खुले यंत्र यानी अनकपलिंग डिवाइस ऑफ सीबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि बोगी के दोनों छोर से लेटरल डैम्पर को निकाल दिया जाए तो क्या होगा, तो कोच पटरी से उतर जाएगी यानी द कोच में डिरेल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, प्राथमिक रखरखाव डैश का एक प्रकार है, यह निरोधक रखरखाव यानी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 69 है, एंटी रोल बार का मुख्य कार्य क्या है, तो कोच के रोलिंग कार्य को प्रतिबंधित करना टू प्रिवेंट रोलिंग एक्शन ऑफ द कोच है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक डैश के दौरान एंटी रोल बार के ग्रीस को बदल देना चाहिए D1 शेड्यूल यानी D1 शेड्यूल के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, WLRRM कोचों में अंडर अलंग के तहत कितने पानी के टैंक लगाए गए हैं, तो एक लगाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72 है, यदि सभी एक्सल का गति बराबर हो एवं आपातकालीन ब्रेक लगा दिया जाए तो डंप वाल डैश हो जाएगा, तो सिर्फ एक ही प्रतिक्रिया देगा, ओनली वन विल रिस्पॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 है, व्हील गेज किस क्या चीज को मापता है, तो दो पहियों के बीच की दूरी एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू व्हील, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एयर ब्रेक प्रणाली में कंट्रोल रिजर्वर का क्या कार्य है, तो यह ब्रेक प्रणाली को नियंत्रित करता है टू कंट्रोल द ब्रेक सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75 का, किसी लोडेड बोगी के दो स्प्रिंग के कैम्बर में कितना अंतर होना चाहिए, तो ये 10 mm का इसका अंतर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी कैचनप संस्करण में खराब पहिए का व्यास कितना होता है, तो 906 mm होता है, यानी व्हाट इज द कंडेमिंग व्हील डायमीटर इन ऑल कैचनप वर्जन, तो 906 एंड 906 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सक्री जाओ या चौरी जाओ एडोप्टर क्राउन लग्स के उपयोग के लायक नहीं है, वियर लिमिट कितनी होती है, तो 2 mm होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UIC बोगियों के प्राथमिक सस्पेंशन के लिए कितने बियरिंग स्प्रिंग का उपयोग किया जाता है, तो 8 किया जाता है, ऑप्शन नंबर 3 है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BTPN टैंक वैगन का भार क्षमता होता है 54.28 टन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैंक के वैगन के मास्टर वाल्व के हाइड्रोलिक जांच के दौरान पानी कितना तक भरी होनी चाहिए, तो 150 सेंटीमीटर तक पानी भरी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन 81 है, BLC वैगन के एक कार का धारक भार कितना होता है, तो 19.10 टन होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। और क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, BLC वैगन में कितने ऑटोमेटेड ट्विस्ट लॉक का उपयोग किया जाता है, यानी हाउ मेनी ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक कार यूज्ड इन BLC वैगन इन, तो इसका आंसर हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 83, BLC वैगन में कितने प्रकार के कपलिंग का उपयोग होता है, तो यह ऑप्शन नंबर 1 में हो जाएगा CBC एंड SLD। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, LHB कोच की लंबाई कितनी होती है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अवर बॉडी ऑफ LHB कोच, तो 23,540 होता है, यानी 23,540 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, यार्ड में उपलब्ध एयर ब्रेक ट्रेन के कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक की मोटाई कितनी होती है, तो 15 mm होती है, ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 86, दुर्घटना नियमावली के अनुसार रेलगाड़ी अलग होना, तो J4 क्लास होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, J4 क्लास। क्वेश्चन नंबर 83 है, जब C3WDV को ट्विन पाइन से अलग कर दिया जाता है तो किस उपकरण को चार्ज नहीं किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा, कंट्रोल रिजर्वायर एवं सहायक रिजर्वायर इसका, यानी कंट्रोल रिजर्वायर एंड ऑक्सिलरी रिजर्वायर इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 88 को देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 88 है, कैचनप ट्रॉली के केंद्रीय धुरी को चिकना करने के लिए IS डैश विशेष निर्देश के ल्यूब्रिकेंट का उपयोग किया जाता है, तो इसमें देखिए, इसमें IRS टाइप का किया जाता है, IRS प्रकार का किया जाता है, लेकिन IRS इसमें कहीं नहीं है, इसमें IS 495, 449, 455 है, तो इसका नन ऑफ डीज हो जाएगा इसका आंसर, ये 4 हो जाएगा आंसर।
अगर आप बढ़िया से पढ़ेंगे तो आप ओवर कॉन्फिडेंस के साथ इसको डील कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 को देखिए। एक प्रकार का बिटुमन टैंक वैगन का यांत्रिक कोड है TBT। देखिए ध्यान से देखिए एक बार, द मैकेनिकल कोड ऑफ बिटुमन टैंक वैगन टाइप इज TBT, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90। कैस्नर बोगी के साइड फ्रेम के घर्षण प्लेट में किस प्रकार के स्टील का उपयोग होता है? तो सिलिको स्टील होता है। ऑप्शन नंबर 3 है इसका, सिलिको मैग्नेंजी स्टील, इसका आंसर है। अब देखिए 91 में किस अनुच्छेद के तहत, अब राजभाषा आ गया है क्योंकि 10 क्वेश्चन को आप को 20 क्वेश्चन रहेगा कुल मिला के राजभाषा से, जिसमें से आपको सिलेक्ट करके 10 क्वेश्चन का ही आंसर करनी है। तो देखिए 91 में है किस अनुच्छेद के तहत हिंदी संघ की राजभाषा एवं इसकी लिपि देवनागरी है, तो अनुच्छेद 343 का एक यानी आर्टिकल 343 का 1 है। अब देखिए ये भी एक और 90 क्वेश्चन यानी डबल क्वेश्चन आ गया है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको 10 क्वेश्चन का या तो इसका आंसर 91 का इसका, या यहाँ पे देखिए और का ऑप्शन दिया हुआ है तो इसका देना है, और किसी का भी आंसर दीजिएगा ऑप्शन सेम ही रहेगा। जैसे कि देख लीजिए LHB कोच में उपलब्ध पर्दा और एक्शन डेस्क सीटें होती है तो अग्नि रोधी होती है यानी फाइबर रिटार्डेंट होती है, ये LHB कोच की बात कर रही है। तो देखिए 91 का भी बी आंसर है और ये भी 91 का आंसर क्या आया आपको, बी आया। तो इस प्रकार कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए या इस क्वेश्चन का दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। राज्यभाषा के संसदीय समिति में कौन सदस्य कौन होते हैं? तो इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, इसमें कुल मिला के कितने सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं, जिसमें 20 सदस्य लोकसभा के होते हैं और 10 जो होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं। तो इस प्रकार कुल मिला के कितने होंगे, 30 सदस्य होंगे, तो इस कुल मिला के 30 सदस्य हो जाएंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 92। यदि ब्रेक पैड टेपर स्थिति में घसती जा रही है तो उचित क्रिया क्या होगी? तो इसका आंसर भी नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है, नन ऑफ दीज हो जाएगा इसमें से कोई। देखिए ब्रेक पैड को एक ही स्थिति में ला ये नहीं होगा, ब्रेक पैड को तुरंत बदले ये भी नहीं, ब्रेक के लिए इकाई को तुरंत बदले ये भी नहीं, और डिटेल के लिए थोड़ा वेट कीजिए, मैं वीडियो दूंगी लेकिन थोड़ा सा वक्त का आपको थोड़ा सा वेट और धैर्य के साथ रहना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 है। डैश राज को छोड़कर राज्यभाषा अधिनियम 1976 पूरे भारत में लागू किया गया, तमिलनाडु को छोड़ करके, बाकी सभी राज्यों में किया गया था सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु को छोड़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है CBC का हॉरिजॉन्टल गैदरिंग रेंज क्या होता है? तो 110 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो यह ए क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज हमारा है उसको 3 भागों में बांटा गया है, तो उसमें से जो अंडमान निकोबार की भाषा है वहाँ हिंदी ही है और वहाँ पे उसको ए क्षेत्र में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 94 है। LHB कोचों के साइड वाल का निर्माण किससे होता है? तो ऑस्टेनिटिक स्टील से होता है यानी SS304M से होता है। अब देखिए हिंदी डे की बात हो रही है, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? वेन हिंदी डे सेलिब्रेशन अभियर, तो 14 सितंबर 14 सितंबर 1949 को ही हमारा जो संविधान है उसमें हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। तो देखिए 95 है। एंकर लिंक के कार्यों में एक है वन ऑफ द फंक्शन ऑफ एंकर लिंक, तो बोल्स्टर के युक्ति संगत संचलन को रोकना, टू प्रिवेंट रेशनल मूवमेंट ऑफ बोल्स्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 देखिए। राज्य भाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ? तो 10 मार्च 1963 को यह पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, किस सारणी में अलार्म चेन का ओवरहॉलिंग और उसकी जांच की जाती है? तो बी शेड्यूल के तहत यह जांच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपत्र एवं ज्ञापन राज्य भाषा अधिनियम 1963 के किस खंड के अंतर्गत आता है? तो सेक्शन 3 के तहत आता है, परिपत्र यानी सर्कुलर्स एंड मेमोरेंडम्स कम्स अंडर विच सेक्शन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, तो सेक्शन 3 के तहत आता है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक ब्लॉक के मिश्रित घर्षण का औसत गुणांक कितना है? तो 0.25 है, ऑप्शन नंबर 3 है 97 का 0.25।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य भाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आता है। अब क्वेश्चन नंबर 98 को देखिए, ICF कोच की तुलना में लचबी कोच की लंबाई कितनी बढ़ाई गई है? तो अप्रोक्स 2 मीटर बढ़ाई गई है, 2 मीटर लगभग अनुमान बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 99 का आशुलिपि को अधिकतम प्रोत्साहन पाने हेतु निर्धारित परीक्षा में कितना अंक लाना होगा? तो 88% प्लस एंड एवव लाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 99 LHB कोच का अंडर फ्रेम डेस्क का बना होता है, तो कास्ट स्टील यानी कास्ट स्टील ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 है, हिंदी में कोर्स ट्रेनिंग के लिए कौन योग्य होते हैं? इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से बनाना होगा साथियों, इसको क्लियर करेंगे। जैसे यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन को देखेंगे तो क्लास 4 भी है, लेकिन वो नहीं, इसमें क्या कह रहा है कि हु आर एलिजिबल टू बी ट्रेंड इन द हिंदी कोर्सेस, हिंदी कोर्सेस के लिए कौन एलिजिबल है? तो इसका आंसर होगा क्लास सी श्रेणी। देखिए, ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इन क्लास 3 एंड अबव, ये इसका आंसर होगा। तो बहुत इसका केयरफुल रह के इसका आंसर कीजिएगा, तभी एग्जैक्ट आंसर आप कर पाएंगे, क्योंकि आपको 60 मार्क्स लाना है 100 में, तभी आप सिलेक्ट हो पाइएगा। उसके बाद आपका सर्विस रिकॉर्ड देखा जाएगा, और उसके बाद अगर आपका परफॉर्म अच्छा है तो आप टेक्नीशियन बन जाएंगे, आपका ग्रेड पे 1900 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100, CDTS से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय CDTS? तो यह इसका होता है कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम, इसका होता है कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम होता है। साथियों, आशा करती हूँ यह क्वेश्चन और यह वीडियो आपको बहुत लाभदायक साबित होगी, और आप मिला लीजिए आपका कितना मार्क्स आया है वो कमेंट करके बताएं, और अगर क्वेश्चन में कुछ त्रुटियां रह गई हो किसी, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और कोई भी अगर फॉल्ट होगा तो हम कमेंट में इसका आंसर डाल देंगे, तो आप कमेंट भी कमेंट कर सकते हैं, उसको दे सकते हैं, ताकि मुझे लगे कि नहीं आप लोग इस बेहतरीन इसका लाभ उठा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।